वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज की इस क्लास में हम आपको बताएंगे भंगल फॉन्ट में होने वाली बहुत सारी समस्याओं के बारे में। जैसा कि आप टाइपिंग करते समय इस तरह के वर्ड को टाइप नहीं कर पाते होंगे तो आपको होती होगी समस्या। इन सभी वर्डों को कैसे टाइप किया जाता है उनको भी बताएंगे आपको, साथ में आपको बताएंगे अगर आपको एमएस वर्ड में समस्या हो रही है टाइप करते समय या आपको नोटपैड में समस्या हो रही है टाइपिंग करते समय तो फिर आप क्या करें, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें गूगल क्रोम में भी इस तरह की समस्या होती है तो हम क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन में, क्या और कोई सोल्यूशन भी इसका है। वैसे मैंने बहुत सारी समस्याओं के बारे में पहले भी आपको बता रखा है इनमें होने वाली, लेकिन हमारे पास बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करते रहते हैं वीडियो में कि सर हम इस सोल्यूशन जो है समस्या का सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा जो है कि जब भी आप काम करेंगे तो आपको इन समस्याओं का सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा आपको जो है, तो इसके रिलेटेड मैंने काफ़ी वीडियो और भी बना रखा है। आपको करना क्या होगा यहाँ पर जो है कि आप हमारी वेबसाइट पर जाना होगा जो है। तो हमारी वेबसाइट neeletcourse.blogspot.com, इस पर आप जाइए, यह पर आपको इस समस्या का बहुत सारा वीडियो दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको इस समस्या का हल मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस वेबसाइट को खोलना है, होम पे जाना है, इसमें आपको काफ़ी कुछ कंटेंट मिल जाएगा और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो है, तो आपको और भी बहुत सारे कोर्सेज से संबंधित यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं तो आपको यूट्यूब के थ्रू भी ये जानकारी मिल सकती है, यूट्यूब पे अगर आप खोले हुए, अगर आप मोबाइल पे हैं तो बहुत ही आपको आसान है। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट ढूंढ लीजिए, यह आपको शुरुआत में ही दिया हुआ है यहाँ पर कि आपको किस प्रकार से यहाँ पर काम करना। तो आप सबसे पहले क्या करिए कि हमारे पास दो, एक तो हमारा चैनल है, एक RITI टेक्नोलॉजी है और एक राजेश IT, अब दोनों सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको दोनों पे बहुत सारे नए नए टेक्नोलॉजीज और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी जो है। यहाँ पे आपको एकदम शुरुआत करने के लिए मंगल फॉन्ट की टाइपिंग, अगर आप RO या ARO के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ मिल जाएगा। एकदम बिगनर अगर आप हैं तो भी आपको यहाँ पे पूरी डिटेल दी हुई है, मंगल फॉन्ट टाइपिंग शुरुआत कैसे करें उसका नोट्स भी यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो आप एकदम से शुरुआत करने के लिए, तो अगर आपने ये सब कुछ कर रखा है तो फिर क्या करना है, तो देखिए हम आपको सबसे पहले स्टार्ट करेंगे समस्याओं को दूर करने। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से नोट पैड में इस तरह की समस्या आती है। सबसे पहले क्या करना है आपको, नोट पैड खोल लेना है। जैसा हमने यहाँ पे देखेंगे कि मैंने नोट पैड में ये सारे कंटेंट टाइप करके रखा है और फिर भी अब हम इसको सेव करेंगे, फाइल में जाएंगे, सेव पर क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करा हमने, इसको हम सेव करने लिए सेव एज पे क्लिक करते हैं और इसको हम यहाँ डेस्कटॉप पर सेव करेंगे। पहले हमने इसका नाम दे दिया यूनिकोड और यहाँ पर देखिए UTF लगा हुआ है, आप में NSI लगा रहता होगा, ध्यान रखिएगा, इसको मेन मिस्टेक इसमें होती है। आपको क्या करना है, यूनिकोड लगा देना है। यूनिकोड आप इसमें 8 या 16 कोई वाला भी ले सकते हैं, आप 8 लीजिएगा जो इसमें से यूनिकोड 8, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, सेव करना है, सेव करेंगे। अब मैं अभी यहाँ पर न्यू कर दे रहा हूँ फाइल। अब हम ओपन करते हैं फाइल अपनी, यानी कि यूनिकोड, और ये खुल गया। मैं एक दूसरी फाइल सेव करता हूँ जिसका मुझे NSI लगाना है और इसका नाम रखूँगा मैं वन। अब सेव करता हूँ, यहाँ पे यूनिकोड का एरर दे रहा, फिर मैंने ओके कर दिया। तो देखिए इस तरह से आपके में क्वेश्चन बन जाएगा सेव करने पर। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी हम सेव करेंगे नोट पैड में तो यहाँ पर यूनिकोड लगाएंगे, ठीक है ना, UTF-8 लगाएंगे, नहीं तो ये काम नहीं करेगा सही से। ओके, तो ये तो एक समस्या समझ गए। दूसरी समस्या आपको MS Word में आएगी। MS Word में कैसे समस्या आती है, MS Word में समस्या ऐसे आती है कि आप जब यहाँ पर टाइप करेंगे तो हिंदी तो टाइप हो जाएगी लेकिन कई बार ये टाइप नहीं करता, क्वेश्चन वर्ड कर देता है। तो देखिए ध्यान से, जब भी इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, आपका MS Word सपोर्ट नहीं कर रहा होगा। तो सबसे पहला ध्यान देना है कि क्या आपका MS Word 2010 का है या नहीं,
अगर एम एस वर्ड 2010 का है तो ये दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, या 99% समस्या नहीं आएगी। लेकिन अगर 2010 का नहीं है, 2007 का है, तो ये समस्या आएगी आपको 100%। तो ये ध्यान रखना आपको है कि हमें 2010 वाले इंस्टॉल करके रखना है, पुराने वाले वर्जन पे काम नहीं करना है। ठीक, फिर भी अगर समस्या आ रही है तो क्या कर सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, हिंदी फॉन्ट लगाना है। जैसे मैंने यहाँ पे हिंदी लगा दी, अब टाइप करना है। जैसे मैंने यहाँ पे हिंदी लगा दिया, लगाने के बाद में आपको अपने यहाँ पर फॉन्ट लेना है मंगल का, तभी ये काम करेगा सही से। ध्यान देना है, मंगल का ले लेना है। तो मंगल में आपको, अब मंगल के कई फॉन्ट्स में होते हैं आपके कंप्यूटर पे, जैसे यहाँ पे यात्रा वन है, एरियल यूनिकोड है, यहाँ पे कमला लाइट है, और भी देवनागरी जिस पर लिखा होगा समझ लीजिए वो मंगल फॉन्ट ही है। तो इसमें आपको देखिएगा, यहाँ पे ये भी है, ये भी फॉन्ट है, कोकिला भी है, तो ये सभी फॉन्ट हमारे कहलाते हैं मंगल फॉन्ट जो, ठीक है ना। इनसे अलग अलग लेआउट बनता है। अब हम आपको यहाँ पर टाइप करने का तरीका बताएंगे, कैसे हम टाइप करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ ये है कि कैसे टाइप करेंगे आप यहाँ पे। तो ये जो कंटेंट दिया हुआ है यहाँ पर सारा का सारा, ये टाइप कैसे करेंगे? तो देखिए, पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर टाइप करना है, उसके बाद शुरू करते हैं। तो मैंने आपको नोटपैड और हाँ गूगल क्रोम में अगर आपको करना है तो कैसे करेंगे, यानी नोटपैड और वर्डपैड की समस्या समझ गए। अगर गूगल क्रोम में, मान लो कभी कभी गूगल क्रोम में भी आपको समस्या आ सकती है, तो आपको क्या करना है, गूगल क्रोम यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा, गूगल क्रोम यूनिकोड, गूगल क्रोम यूनिकोड, गूगल यूनिकोड, ठीक है ना। तो गूगल क्रोम में यूनिकोड आपको क्या करना है, सेट करना है। तो आपको यहाँ पे एक मिल जाएगा एक्सटेंशन डाउनलोड करने के लिए, गूगल क्रोम में यूनिकोड सेट करना है, तो एक्सटेंशन दिया गया है, तो आपको क्या करना है, इस एक्सटेंशन के साथ में काम करना है। तो इसका एक एक्सटेंशन दिया हुआ है गूगल क्रोम में काम करने के लिए, तो वहाँ से आपको ये बात बन जाएगी। अभी ये ओपन हो रहा है, तब फिर आपको बताते हैं आगे, नेक्स्ट हम लोग चलेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि ये लिखना शुरू करते हैं कि कैसे राइट करेंगे अब। तो चलिए यहाँ पर हम कर लेते हैं सारा कंटेंट पेस्ट, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई पड़े प्रॉपर में, और इसको मैं एक वर्ड आर्ट लिस्ट में ले लेता हूँ ताकि ये हमें और ऊपर रख लो, थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको। ओके, तो ये आपको सब समझ में अब आने के लिए, अच्छी तरीके से समझ में आए, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमें कैसे लिखना है। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, आप लोग जो है फॉन्ट को ध्यान दीजिएगा कि मैंने फॉन्ट कौन सा यहाँ पर यूज किया है। तो जब भी हम यहाँ पे हिंदी फॉन्ट लगाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट मंगल फॉन्ट लग जाएगा अपने आप से, लेकिन हम यहाँ पे जब मंगल फॉन्ट में कोई चीज़ टाइप करेंगे तो उसका लेआउट एकदम से सही सही नहीं दिखाई पड़ता है, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। तो मैं आप यहाँ पे लेआउट चेंज कर दूँगा, देखिएगा थोड़ा सा लेआउट बदल गया। अगला, यहाँ पे थोड़ा लेआउट अलग आ रहा है, फॉन्ट कलर चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। अच्छा, अब आपको दिख रहा होगा ठीक से। तो ये भी ध्यान देने वाली बात आपको यहाँ पर है कि फॉन्ट का लेआउट, अगर आप में मान लो ये सब फॉन्ट इंस्टॉल नहीं है तो कैसे इंस्टॉल करेंगे, अगर आपको ये समस्या है तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा कि किस प्रकार से हम इन फॉन्टों को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर आपको हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताएंगे। वैसे ज़्यादातर फॉन्ट आपके कंप्यूटर में ये सब उपलब्ध होते हैं, अगर नहीं है तो आपको बताऊँगा कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बेसिक चीज़ को समझेंगे। बेसिक चीज़ क्या है,
कि किसी भी, अगर आप कुछ नहीं जानते हैं, मंगल फॉन्ट बिल्कुल नहीं जानते हैं, तो कोई भी अक्षर आपको टाइप करना है। देखिएगा नोटपैड में इसमें अंतर है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, नोटपैड में और इसमें अंतर क्या है। हम हर यहाँ पे मात्रा पहले टाइप कर सकते हैं नोटपैड में, लेकिन एमएस वर्ड में हम मात्रा टाइप नहीं कर सकते। एमएस वर्ड में मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पर मात्रा टाइप नहीं हो रहा। देखो मैं टाइप तो कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ये अक्षर टाइप हो रहा है, लेकिन मात्रा में जब टाइप करने प्रयास कर रहा हूँ तो ये नहीं टाइप कर रहा है। यानी कि बिना अक्षर टाइप किए हुए मात्रा टाइप नहीं होता है एमएस वर्ड में, तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। तो अब क्या है यहाँ पर कि जब हम टाइप करना शुरू करेंगे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छा ले लेता हूँ फॉन्ट इसमें, ताकि आपको मोटा मोटा दिखाई पड़े। यहाँ पे एक और फॉन्ट है मोदक, ये काफ़ी मोटा कर दे रहा है, ये तो एकदम से अच्छा नहीं है। तो मैं इसके जगह पे यात्रा बन लेता हूँ, ये ज़्यादा डिस्प्लेबल अच्छा रहता है इसका। तो अब क्या करना है, जैसे किसी भी अक्षर को आधा करना है, तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट याद रखना है आधा करने का। जैसे हम ता में हलंत लगाएंगे, आपको क्या करना है डी प्रेस करना है, तो आधा हो जाएगा कोई भी अक्षर। ये हो गया आधा, ता को हलंत लगाया तो आधा हो गया। किसी भी अक्षर को आधा करना है तो क्या करना है डी प्रेस करना है, डी। आप अपने आप कंप्यूटर में भी ट्राई करते जाइए ताकि आपको टाइप होने में दिक्कत ना हो। तो अब मैं यहाँ पे पहला अक्षर आपको बताऊंगा कैसे टाइप करना है। तो यहाँ पे मैं पहला अक्षर को टाइप करने प्रयास करूंगा, ये वाला अक्षर टाइप करने प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा ये हमें थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है कौन सा अक्षर ये पहले से, यस ये वाला अक्षर है। अब ये टाइप करना है, ये मैंने एक्स्ट्रा टाइप कर दिया तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है आपको। ये टाइप करना है, फिर हलन लगा देना है डी, फिर चा प्रेस करोगे तो ये टाइप हो जाएगा। अगर हमें ना टाइप करना है इस तरह से, इस तरह से अगर हमें ना टाइप करना है तो हम कैसे टाइप करेंगे, ध्यान से देखिएगा। पहले आप ना प्रेस करेंगे, फिर हलन लगाएंगे और फिर से ना टाइप करेंगे आप, तो इस तरह से ना टाइप हो जाएगा। अगर हमें ई वाला बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो पहले हमें धा टाइप करना है, फिर उसको आधा कर देना है यानी हलन लगा देना है, और फिर दा टाइप करना है, तो इस तरह से टाइप हो जाएगा। अगर हमें इस तरह से ता बनाना है तो उसमें आधा ता और ता है, तो पहले ता लिखेंगे, फिर आधा करेंगे उसको, फिर ता लिख देंगे, तो ये हो जाएगा। ऐसे ही भा को लिखना है, हलन लगाना है, फिर दा लिख देना है, तो इस तरह से हो जाएगा। और तो और इनका अगले या दूसरे फॉन्ट में इसका लेआउट भी आपको थोड़ा सा अलग मिलेगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा लेआउट यहाँ पे बदला हुआ आएगा नज़र। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि किसी फॉन्ट में ये लेआउट थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। द्वारा में हलन लगाइए दा में, फिर वा लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा द्वा। अब हमें डा में मा लिखना है, तो हमें लिखना है डा हलंत और मा लिख देना है। अगर हम यहाँ पर इसका लेआउट देखेंगे तो ये हमें मंगल के में थोड़ा सा अलग दिखेगा, और अगर हम इसका लेआउट नोटपैड पर थोड़ा देखेंगे तो ये आपको थोड़ा और अलग दिखेगा, यहाँ पर इस तरह से दिखेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि कुछ जगहों पे लेआउट थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। अगला देखिए यहाँ पर, यहाँ पे यूनिकोड में कुछ लेआउट ऐसा दिख रहा है। तो अगला देखिए यहाँ पे हृदय में हा में या लगाना है तो हा लिखोगे, हा और ओ सॉरी हा हलंत और या लिखोगे तो इस तरह से हो जाएगा। हा में ना लगाना, हा में ना लगाना है तो हा हलंत और ना लिखोगे तो इस तरह से हो जाएगा।
अब ये थोड़ा सा आपको लेआउट वैसा नहीं दिखा, तो लेआउट हम चेंज करेंगे। अगला रिक्त लिखना है, आधा का और ता, तो ये रिक्त हो जाएगा। और लिखना रत्न, तो रा ता आधा करोगे ना लिख दोगे, ये हो जाएगा रत्न चांद। अच्छा ऊपर बिंदी लगाना है हमें, तो यहाँ पे हमें एक्स दबाना है ऊपर बिंदी के लिए, एक्स और दा। अगला चिन्ह, हमें बहुत दिनों से टाइपिंग किया नहीं है तो काफ़ी कुछ याद नहीं रह गया है, एकदम से भूल गया हूँ जैसा लग रहा है। हाँ में और यहाँ पे हलन लगाएंगे, फिर लिखेंगे ना, तो ये हो जाएगा चिन्ह। उर्फ छोटा ऊ, छोटा ऊ रा हलंत और फालिक हो गए उर्फ। स्रोत सा हलन लगाओगे और त्रा लिखोगे, त्रो और ओ का मात्रा लगाओगे, तालिक दोगे स्रोत। यहाँ पे हा मेरा लगाना है, ये रख गया हा मेरा द या। उत्तर आधा ता ता और उत्तर। अष्टम आ सा अस टा उमा। रफ्तार फा रफ्तार निश्चित। निश्चित ये हो गया निश्चित, ठीक है। फिर से देखिएगा ये निश्चित को, सा को आधा करना है, फिर ता लिखना है और मात्रा लगा देना यहाँ पर है। अरे चा लिखना है, सा को आधा करने के बाद चा फिर मात्रा और ता लिखना है, ये हो गया निश्चित। सद्भावना दा लिखोगे, आधा करोगे, अब लिखोगे भा। सद्भावना विद्यालय वा वी दा लिखोगे, हलन लगाओगे इसमें या लिखोगे ला और या विद्यालय। पद्म लिखोगे पा, तो पा हो जाएगा दा। दा में हलंत और मा पद्म। अब भूषण लिखोगे, भूषण मद्देनजर। मध्य दा लिखोगे, आधा करोगे दा लिखोगे, फिर लिखोगे नजर। तो आई होप कि मैंने आपको पूरा बताने का प्रयास किया है, फिर भी अगर कहीं कोई डाउट्स रह जाता तो हमें कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो में हो सकता है कहीं कोई मिसिंग हो गई हो बताने में या कुछ छूट गया हो, तो उसके लिए मैं आपसे चाहूँगा कि आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। और कोई वर्ड आपको लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें
कमेंट करिए, स्क्रीनशॉट भेजिए, और हमारा नंबर आपको या हमारी वेबसाइट आपको दिख रही वहाँ पर से भी आप जाकर के हमें स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। फिर आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।